हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। करे कंटिन्यू सॉलिड स्टेट को नई हेडिंग के साथ। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर! बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ी अच्छी चीज है। बहुत कुछ सिखा के जाएगी और बहुत सारा काम में भी है, और क्वेश्चन भी देगी। इतनी खास बात है इसकी। हिंदी में बड़ा अच्छा नाम है समन्वय संख्या या फिर उप संयोजक संख्या। दोनों टर्म इक्वली काम में आती है। शॉर्ट फॉर्म इसकी सी एन। सॉलिड में कहीं पे भी इसकी शॉर्ट फॉर्म काम आएगी तो क्या बोलेगा? सी एन, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, चलो तो पहले इसको डिफाइन करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है इसको सीखते हैं, फिर हर टाइप के जो यूनिट सेल है उसमें इसकी वैल्यू क्या आती है वो चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले डेफिनेशन देते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन, इसकी समझ में आ जाएगी जब लिखूंगा तभी समझ में आ जाएगी। दिस इज द नियरेस्ट नेबर, या निकटतम पड़ोसी। दिस इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ एटम एन एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड। यार क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखना खास बात ना कि सेल, ये क्या है? दिस इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ एटम्स इन एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब किसी एक एटम के जितने नजदीकतम तो एटम आ सकते हैं, नियरेस्ट नेबर उसके तो हो सकते हैं, उसका जो नंबर होगा वही क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर, सी एन, समन्वय संख्या, उप सहसंयोजक संख्या। ठीक है, चलो तो अपन सी एन कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सी एन, सी एन को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहली चर्चा करते हैं अपन लोग फॉर एससीसी। एससीसी के लिए सीएन की वैल्यू कितनी आएगी चेक करते हैं। पहले एससीसी दिखता कैसे है? देखो यार, सारा गेम डायग्राम का है। डायग्राम ध्यान से देखोगे समझोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, चलो वैसे एक सीएन का एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूं, चलो इसके अंदर ही चर्चा कर लेते हैं। सिंपल सा, इससे सिंपल क्या होगा? एससीसी है, सिंपलेस्ट है। चलो देखो एससीसी कैसे दिखता है, तुम्हें याद है? इसका डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। ये एससीसी का डायग्राम है, ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है, ये लैटिस पॉइंट वाला डायग्राम है, ये एससीसी का डायग्राम है। इसके एक्चुअल डायग्राम को भी बनाया था अपन लोगों ने ना। मैं एक्चुअल डायग्राम की एक फेज बना रहा हूं, केवल एक फेज। जो ये ऊपर बाहर वाली फेज है वो कैसी दिखेगी एक्चुअल डायग्राम, एक बार देखना आप लोग। इसकी एक फेज है, और आपको पता है एक फेज पर ये जो चारों एटम एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, तो इनको टच करवाते हैं। ये लगभग बीच से सेंटर पॉइंट यहाँ आएगा, ये इधर। अभी मेरे सर्कल इतने बढ़िया से नहीं बनेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस होता है फिर सारे सर्कल बढ़िया गोल बनेंगे सारे। अभी तो सारे धजिया उड़ गई इन सर्कल की, यार वापस बनाना पड़ेगा। यार डायग्राम ही सब कुछ है, डायग्राम अच्छा नहीं बना तो फील नहीं आएगी, इसी सी बात है। कोशिश ये रहता है कि एक दो बार डायग्राम अच्छा बन जाए बस। चलो धीरे धीरे बनेगा। तो चलो ये तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैंने एक एससीसी के फ्रंट फेस को बनाया है। ये फ्रंट फेस है ना, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये एक यूनिट सेल नहीं है क्या? सिर्फ एक यूनिट सेल, पर इसने क्या बोला है, होल क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात की है, ना कि एक यूनिट सेल की। ठीक है, तो इसके तो पास वाली जो यूनिट सेल होगी वो कुछ ऐसी होगी, वो कुछ ऐसी होगी। और पास वाली यूनिट सेल को मैं अलग कलर के पेन से बनाना चाहूँ, मैं कुछ अलग कलर के पेन से बनाता हूँ। ये पास वाली यूनिट सेल है, उसका एक एटम ये रहा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बन गया मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा क्रिस्टल लेटिस से थोड़ा लंबा चला गया, इतना लंबा होता नहीं है। सेम लेंथ नहीं रखी मैंने, थोड़ी लेंथ कम ज्यादा रहेगी मेरी, एज जो है एज लेंथ। ठीक है भाई, चल अब इसको देख। तो वीडियो को बढ़िया से पॉज कर करके एक एक डायग्राम देखना यार, कैसे बन रहा है इसमें। ये रहा और ये रहा, ये पास वाले यूनिट सेल की फेसेस है। ठीक है, और क्या एक नीचे भी यूनिट सेल नहीं होगी क्या? जैसे एक इस साइड है, एक इस साइड भी होगी, एक ऊपर भी होगी, एक नीचे भी होगी। तो नीचे वाली बना रहा हूं मैं, ये रही नीचे वाली। ठीक है भाई, और जो नीचे वाली यूनिट सेल होगी
वो क्या इसको टच नहीं कर रही होगी क्या? ये देख, ये इसको टच कर रही। मैं सिर्फ एक 2D डायग्राम बना रहा हूँ यार, 3D डायग्राम इतना अच्छा नहीं बन पाएगा मेरे से, मेरे को पता, इतना भरोसा है मेरे को मेरे पे। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ इसको कितने जने टच कर रहे हैं। ठीक है, मैंने ये जो कॉर्नर वाला एटम है, ये जो कॉर्नर वाला एटम है, इस कॉर्नर वाले एटम को मैंने हरी प्रेजेंट किया है। तो देख, इसके लेफ्ट में ये रहा, ये रहा इसके राइट में पास वाले यूनिट सेल का होगा। इसके ऊपर जो दिखाया है मैंने, ये वाला कोना है, सॉरी, मैंने ये वाला कोना रिप्रेजेंट किया, सॉरी, मैंने ये वाला कोना एक्चुअली रिप्रेजेंट किया है। क्यों? क्योंकि ये वाला कोना ये रहा, और इसके जस्ट ऊपर ये रहा, इसके जस्ट ऊपर ये रहा, इसके नीचे नई यूनिट सेल, नई यूनिट सेल का रहा, इसके पास बगल वाला ये कोना, ये रहा बगल वाला कोना, पास में नई यूनिट सेल, नई यूनिट सेल। ठीक है भाई, अब देख इसको कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम टच कर रहे हैं। इसको टच कर रहे, एक ही है, एक ही है, दो हो गए, एक ही है, एक ही है, तीन हो गए, एक इसके जस्ट पीछे वाला, ये वाला इसको तो टच नहीं करेगा क्या? ये वाला बंदा इसको, ये वाला बंदा टच करेगा, पांच, जैसे पीछे एक टच करा वैसे आगे भी एक टच करेगा। तो इसको कितने टच कर रहे हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, और एक पीछे, छह, आगे बस। तो इसके सीएन टोटल कितनी आ जाएगी? इसके सीएन आ जाएगी 6। ठीक है, अभी भी लगता है थोड़ी कम समझ आई है, तो इसको एक और डायग्राम से देख ले, फिर और से समझ आ जाएगी। एक और 3D डायग्राम से फिर दिखा देता हूँ, क्योंकि समझना ज़रा जरूरी है यार। एक 3D डायग्राम से भी देख ले, फील लेना जरूरी है, फील फील तक नहीं ज़रा जरूरी है। मैं एक 3D डायग्राम से कोशिश करता हूँ बनाने की। ठीक है, ये SCC है, ठीक है, 3D डायग्राम दिख रहा हो, ये SCC है। इसको, इस वाले को टच कौन कौन कर रहा है अभी? इस 8%, इस एक्चुअल डायग्राम में देखा, इसको ये टच करता है, जिसको रेड कलर से दिखा रहा हूं, इसको ये टच कर रहा है, और इसको ये टच कर रहा है, इसको ये तीन जने टच कर रहे हैं इस वाले को। तो जैसे ये टच कर रहा है, ऊपर एक यूनिट सेल होगी, इसका ऊपर वाला कोना टच करेगा। जैसे ये टच कर रहा है, राइट में एक होगा वो टच करेगा, जैसे बैक पर टच कर रहा है वैसे फ्रंट में भी एक होगा वो टच कर रहा होगा। तो टोटल ये जो, ये कॉर्नर वाला बंदा है, उसको कितने टच कर रहे हैं? एक, दो, ठीक है, तीन, चार, पांच और छह, इसको छह जने टच कर रहे हैं। यहाँ पे देखो छह कौन कौन है, ये वाला कोना है, ये वाला को तो कोना है, इस वाले कोने से चर्चा की इस बारी मैंने, देख लो इस वाले कोने से चर्चा की है। तो एक नंबर पे हो गया ये, दो नंबर पे हो गया ये, ठीक है, तीन नंबर पे हो गया ये, चार नंबर पे ऊपर वाला होगा, पांच नंबर पे आगे वाला होगा, छह नंबर पे पीछे वाला होगा। दोनों डायग्राम से मैंने तुम लोगों को समझाया कि SCC में टोटल छह नंबर, छह एटम टच कर रहे हैं। इन दोनों डायग्राम से आपको फील आई होगी होपफुली। ठीक है, चलो तो इसको समझना, नेक्स्ट अपन बात करते हैं BCG के अंदर। BCG का थोड़ा डायग्राम अच्छा बनेगा इससे। ठीक है, तो याद रखना तुम्हें SCG की सीएन कितनी अच्छे, मैं काम में लूंगा बहुत बारी। ठीक है भाई, चल नेक्स्ट है। हाँ, नेक्स्ट अपन कैलकुलेट करते हैं BCC के अंदर काय केंद्रित आद्य कोष्टिका, या फिर बोल दे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ब्लू कलर का मार्कर लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप फॉर BCC, देखो पहले एक्चुअल डायग्राम, पहले नॉर्मल लैटिस डायग्राम बनाता हूँ BCC का। ये BCC याद आ गया? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात और आठ। आठ कॉर्नर पे होता है और एक बॉडी के सेंटर में होता है, और इसमें ये जो है, इन आठों के आठों एलिमेंट को टच कर रहा होता है। वैसे यहां से पता चल गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा, क्यों? ये इन आठों को टच कर रहा है। डायग्राम यदि मैं बना लेता हूं, तो ये इस फेस से, यहां अपनी आंख रखता हूं, इस फेस को देखता हूं, तो शायद पीछे वाला मेरे को नहीं दिखेगा, ये टॉप से दिखूंगा, नीचे वाला इस तरह नहीं दिखेगा। इस तरह से जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, मेरे पास एक क्यूब है, ये रहा एक क्यूब। एक चीज नोटिस करो ना यार, जब तो मैं इस क्यूब को ऐसे दिखा रहा हूँ, तो आपको सिर्फ ये फेस दिखेगी, पीछे क्यूब है या नहीं ये कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये होता है 2D डायग्राम। यदि मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ या ऐसे दिखाता हूँ, तो आपको पीछे वाली फेसेस दिखेगी ना, तो ये हो गया इसका 3D डायग्राम। तो अभी एक्चुअली मैं आपके सामने जो बना रहा हूँ, अभी मैंने 3D डायग्राम बनाया कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से फेसेस, थोड़ी एक फेस थोड़ी आगे खींच के लेके आ गया। ठीक है, लेकिन मैं 2D डायग्राम से ये डायग्राम और अच्छा बना सकता हूँ। ठीक है, 2D से फील भी अच्छी आएगी। 2D का मतलब केवल एक फेस दिखेगी आपको, एक फेस में क्या दिखेगा? एक, दो, तीन, चार,
ये चार एटम दिखेंगे, लेकिन ये आपको पता है ये चारों बीसीसी के अंदर टच नहीं कर रहे, क्योंकि बीच में जो बॉडी सेंटर वाला है उसके आने की वजह से ये चारों जो आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो अंदर वाला जो बॉडी सेंटर है वो टच करेगा सबको, ठीक है। देखते हो किस तरह से टच करेगा, देखना ये देखो लाइनें सारी टेढ़ी बनती है, टेढ़ी टेढ़ी टेढ़ी, स्केल्स एक बनानी पड़ेगी अपने पड़ता है। ये होगा एक फेस, ठीक है भाई। चलो अब इस फेस में ये सर्कल बढ़िया बना, ये सर्कल थोड़ा लंबा बना, ये सर्कल थोड़ा एलिप्टिकल बन गया रे। मजा नहीं आया डायग्राम में, डायग्राम बढ़िया होना चाहिए भैया, डायग्राम जब तक बढ़िया नहीं है तब तक कोई फील नहीं है भैया। सर्कल अभी थोड़े टेढ़े टाढ़े बन रहे हैं, थोड़ी देर प्रैक्टिस होती सीधे बनेंगे, और जब सीधे बनेंगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा सारा। चलो शानदार सर्कल, परफेक्ट सर्कल, शानदार सर्कल, थोड़ा शानदार, गजब का सर्कल। तो देख इस यहां से जब देखूंगा अपनी आंख यहां रखूंगी, चारों कोने दिखेंगे लेकिन एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, और इनको थोड़ा सॉलिडिफाई कर देता हूं ताकि ये सॉलिड इस तरह लगे भाई, ये सॉलिड गोल है, खोखले नहीं है, ठीक है। चल ये तो सही है। अब देख जो सेंटर में होगा वो थोड़ा सा इन चारों को से ढक जाएगा, इसका थोड़ा सा हिस्सा ढक जाएगा बेचारे का, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी फील आ रहा होगा कि ये जो बीच वाला बॉडी सेंटर थोड़ा सा ढक गया इन कॉर्नर की वजह से, क्योंकि वो अंदर था, ठीक है। अब एक चीज इस बॉडी सेंटर के चार टच कर रहे हैं, वैसे कुछ इस पीछे वाली जो फेस है वो भी चार टच करेंगे, टोटल एट हो गए। यहां से भी आर दिख रहे हैं, यहां से भी आर दिख रहे हैं, 2D डायग्राम से समझ में आ गया। तो इसका CN कितना हो गया भाईला, इसका CN हो गया 8, समझ आई बात, इसका CN हो गया 8। कैसे, चाहे तो 2D वाला डायग्राम से देख रहे, चाहे तो 3D वाला डायग्राम से देख रहे। 3D वाला मैंने लेटेस्ट पॉइंट का एक्चुअल डायग्राम नहीं बनाया, क्योंकि एक्चुअल डायग्राम बड़ा दोरा बनेगा इसकी सीधी सी बात है। तो इसमें चार दिख रहे हैं, तो चार पीछे वाले टच कर रहे होंगे 2D में, तो 8 टोटल टचिंग एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो CN आ गया 8। अब बात करते हैं FCC का, FCC में थोड़ा और जोर आएगा, देखना FCC में थोड़ा और जोर आएगा समझाने में, तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाना कैसे। अब FCC कैसे दिखता है तुम लोगों को पता ही है, थर्ड है FCC। चलो फॉर FCC, तो FCC में एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा ही आता है, ठीक है। तो चेक करते हैं पहले FCC होती कैसी है, वो बना लेते हैं अपन लोग। FCC कुछ इस तरह की दिखती है, सब लोगों को याद होगा, सब लोगों को अच्छे से याद होगा। एक एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ, डायग्राम कोशिश करता हूँ थोड़ा अच्छे बनाऊं, एक कोशिश है मेरे डायग्राम अच्छे बनाने की। अगर छोटे वाले सर्कल तो बढ़िया बने हैं सर, बड़े सर्कल गोल नहीं बनते हैं, तो 8 ही हो गए। उसके अलावा फेसेस पे होते हैं, ये अपर फेस हो गया, ये साइड फेस, ये लोअर फेस, ये राइट साइड फेस, ये पीछे वाली फेस और ये आगे वाली फेस, ठीक है। चलो तो ये क्या हो गई, सारे 6 के 6 फेस और 8 कॉर्नर पॉइंट हो गए। अब इसका एक्चुअल डायग्राम किसका बनाऊं देखना, जो आगे वाली फेस दिख रही है ना, आगे वाली फेस तो दिख रही है, 1 2 3 4 और ये 5, इसका मैं एक्चुअल डायग्राम बना चुका हूं, और इस एक्चुअल डायग्राम को देखना कैसे दिखेगा। ये मैं ये वाला व्यू दे रहा हूं, समझ गए, ये वाले व्यू में एक स्क्वायर दिखेगा और उसमें 5 एटम दिखेंगे, देखना थोड़ा, ठीक है। ये तो सही बन गया, बीच में ये फेस सेंटर, ठीक है, ये भी काफी हद तक सही रह गया, और फिर कॉर्नर देख, सर्कल गोल बनने लग गया ना मेरे, सर्कल देख गोल बनने लगे ना, बढ़िया वाले टंच देख, कितना शानदार सर्कल बना। और ये देख, ये कोने वाला थोड़ा सॉलिडिफाई कर देता हूँ, ये कोने वाला थोड़ा सॉलिडिफाई हो गया। तुम लोग भी ये डायग्राम बनाओ यार, मेरे को सजेस्ट करो कैसे अच्छे और डायग्राम बन सकते हैं, ठीक है, और अच्छे डायग्राम कैसे बनाऊं।
चलो, और ये रहा फेस, ये वाला आगे वाली जो फेस है, ये वाला फेस सेंटर, लेकिन जो साइड वाला फेस है वो मेरे को इतना सा दिखेगा, इस साइड वाला फेस इतना सा दिखेगा, इस साइड वाला फेस मेरे को इतना सा दिखेगा, इस साइड वाला फेस मेरे को इतना सा दिखेगा, ठीक है। चलो, तो हर एक फेस को बढ़िया से रिप्रेजेंट कर दिया अपन लोगों ने। अब चलो, ये डायग्राम तुम लोग समझ आ गया होगा कैसे बनाया मैंने, किस चीज का बनाया। ये वाला व्यू ले ले या टॉप वाला व्यू ले ले, तेरे समझ में आ गया होगा। मैंने इसका टॉप व्यू बनाया, टॉप व्यू मतलब ऊपर आंख रखी, ऊपर आंख रखने से मेरे को एक पांच दिखे और एक बीच वाला, टोटल पांच हो गए। अब देख, खास बात क्या है, ये फेस सेंटर जो है इस डायग्राम से देख ले, इस फेस सेंटर को टच करेगा, ये फेस सेंटर इस फेस सेंटर को भी टच करेगा, ये फेस सेंटर इस फेस सेंटर को भी टच करेगा, ये फेस सेंटर इस फेस सेंटर को भी टच करेगा। तो एक चीज देख, ये वाला जो है मैं इसको उठाता हूँ, इसको टोटल कितने जने टच कर रहे हैं वो देख रहे हैं, इसको इस एटम को, ठीक है। तो इसको देख कौन कौन टच कर रहा है, एक दो तीन चार, चार बंदे तो वो है तो इसी के प्लेन में इसको टच कर रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जो तो पीछे वाली फेसेज है वो भी इसको टच करिए, चारों के चारों, ठीक है। तो चार ही हो गया, पांच छ सात और आठ, सही बात है। अब एक चीज सोच, एक चीज सोच, मैंने टॉप वाला व्यू बनाया, टॉप वाला व्यू मतलब ये जो सेंटर वाला था इसमें एक ये टच कर रहा था, दो ये टच कर रहा था, तीन ये टच कर रहा था, चार ये टच कर रहा था, और पांच भी ये टच कर रहा था, छठे भी ये टच कर रहा था, सात भी ये टच कर रहा था, आठ भी ये टच कर रहा था। समझ रहा है कैसे, ये देखिए, ये तो आपस में ना, ये इन चारों को टच, ये चारों इसको टच कर रही है, ठीक है। अब एक चीज सोच के, जैसे ये फेस सेंटर आए हैं वैसे इसके ऊपर जो फेसेज है कुछ, कौन कौन सी फेसेज इसके ऊपर, जस्ट देखना, मैं अलग कलर का मार्कर नहीं, सेम ब्लैक कलर के मार्कर से देखते हैं। इसके जस्ट ऊपर जो है, देखना जरा, देखना जरा, देखे जरा, एक ये फेस रही, तो इस फेस वाला भी तो होगा एक, इस फेस वाला एक एटम होगा, ठीक है भाई। इसके ऊपर दा, इसके ऊपर दा, ठीक है। तो ये फेस वाला है एक, ये फेस वाला है और ये फेस वाला है, ठीक है। जैसे ये चारों फेस वाले, ये चार फेस वाले इसको टच करें, वैसे ये चार फेस वाले भी इसको ही टच करेंगे, ठीक है। कैसे, इधर देखना, ये जो एटम था इसके खुद के प्लेन में ही चार जने हैं और इसके पीछे वाले प्लेन में चार फेस सेंटर है, ठीक है। क्या इनके पीछे जैसे एक फेस चार फेस सेंटर, इसके आगे भी चार फेस सेंटर नहीं आएंगे क्या, नहीं यूनिट सेल के। तो टोटल इसको देख कैसे टच कर रहे हैं, ये जो प्लेन था इसे चार तो आगे, ठीक है। कैसे, इसमें देख, ये देख इसमें बढ़िया से बनाया हुआ है, ये डायग्राम दिख गया तेरे, ये रहा इसका एक्चुअल डायग्राम नहीं है, इसको एक दो तीन चार ये टच कर ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन जस्ट ये जो फेस सेंटर है, ये वाला फेस सेंटर है, ये वाला इसको भी टच करेगा। तो देख, इसको जो टच करने वाले बंदे हैं, सॉरी थोड़ा बिगड़ गया है ये, इसको टच करने वाले बंदे एक दो तीन चार, और साथ में ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर और ये वाला फेस सेंटर, चार ही हो गए। वैसे जैसे ये आगे एक्सपेंड होगा पूरा क्रिस्टलाइज होल्ड बनेगा, तो यहां पर एक और फेस आएगी, यहां एक और फेस आएगी, यहाँ एक और फेस आएगी और यहाँ पर एक और फेस आएगी। तो ओवरऑल इसको कितने टच करने लग जाएंगे, 12 नहीं हो जाएंगे क्या, चार इसके प्लेन में, चार इस प्लेन के जस्ट यहाँ वाले और चार जस्ट इस प्लेन के यहाँ वाले, तो टोटल इसको चेन कितनी आ जाएगा, 12। और 12 के 12 एटम दिखने बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बात समझ में, तो इसका सीएन कितना आ जाएगा भाई, इसका सीएन कितना आ गया, 12। और तेरे को लगता है तेरे को ज्यादा फील नहीं आ पाई है, मैं इतने अच्छे से डायग्राम फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, तो तेरे को सिंपल सा याद रखना पड़ेगा, क्या तेरे को याद ही रखना पड़ेगा, एससीसी है उसका सीएन कितना आया, 6। उसके बाद बीसीसी है उसका सीएन कितना आया, 8। उसके साथ एससीसी है उसका सीएन कितना आया, 12। दुनिया के किसी भी एग्जाम में ये नहीं पूछा गया कि कैसे आया, कैसे आया इतना सीएन, दुनिया के हर एग्जाम में ये जरूर पूछा हुआ है कि इसका सीएन कितना है। तेरे को याद है ना कितना, तो तेरे काम हो जाएगा। तो आगे बार, हाँ आईआईटी में एक बार और पूछा हुआ, एक बार पूछा हुआ क्या, कि जो एफसीसी है उसमें जो सेम ही प्लेन में फेस सेंटर होता है उसको कितने जने टच कर रहे हैं, तो सेम ही प्लेन में चार टच कर रहे हैं, और बिलो द प्लेन अबव द प्लेन या
बैक द प्लेन फ्रंट द प्लेन टोटल कितने हैं, बिलो द प्लेन 4 हो गए, अबव द प्लेन 4 और हो गए तो 8, और 4 उसके प्लेन में 12। तो तुम्हें बस एसएससी में ये इन्फॉर्मेशन जरूर पता होनी चाहिए कि एक ही प्लेन में एक एटम को कितने टच कर रहे हैं, प्लेन के नीचे वाले कितने टच कर रहे हैं और प्लेन के ऊपर वाले कितने टच कर रहे हैं। तो इसका एक बार आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है एडवांस के अंदर, ठीक है। चलो तो फुल्ली आपको समझ आया हुआ है सारा का सारा सीएल, ठीक है। अभी कोई दिक्कत है तो मेरे को प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। अपन जरूर डिस्कस करेंगे उस चीज को। तो सीएन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, तीनों की सीएन अपन ने कैलकुलेट किया, तीन ही इन तीन की सीएन ही अपने कोर्स में, ठीक है। चलो अब कंटिन्यू करते हैं अपन, वॉइड प्योर करते हैं, ठीक है। आज वाली क्लास में इतना ही, ठीक है, बाय, मिलते हैं, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।